दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको सरकारी स्कूल को लेकर जो सरकार की क्रोनोलॉजी होती है ना, वो बड़ी डिटेल से बड़े करीने से समझाने वाली हूँ। तो मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह ने हमें विश्व गुरु बनने की नई तारीख दे दी है। आपको पता है ना, राजनाथ सिंह के हिसाब से हम 2047 में पक्का विश्व गुरु बन ही जाएंगे। हालांकि टारगेट तो बहुत लंबा है, लेकिन दे दिया गया है भाई। तो विश्व गुरु बनने का जुमला फेंकने वालों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए कि जब गांव के बच्चे और गरीब का बच्चा अनपढ़ रह जाएगा तो भारत कैसे बनेगा भाई विश्व गुरु। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बीजेपी के नेता जा जाकर कमियां ढूंढते हैं, टीचर नहीं है, क्लास की दीवार टूट रही है, शौचालय नहीं है, फलाना ढिमकाना। लेकिन खुद बीजेपी शासित राज्यों के ऐसे हाल है कि गांव वाले गुस्से में सरकारी स्कूल बंद कर दे रहे हैं, ताला जड़ दे रहे हैं। क्यों, जानिए। दोस्तों बड़े गौर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से पूरे षड्यंत्र के तहत सरकारें सरकारी स्कूलों को बंद करती हैं और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलने देती हैं, ये वीडियो इसकी एक बानगी है। हरियाणा सरकार ने थोड़े दिन पहले 105 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन जो स्कूल चल रहे हैं वहाँ भी हालात खराब हैं। ट्रांसफर पॉलिसी का ऐसा हाल है कि चरखी दादरी जिले के हंसावास गांव के सभी टीचरों ने ट्रांसफर करा लिया, स्कूल में एक भी टीचर नहीं बचा, हेडमास्टर अकेले रह गया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया, ये कहते हुए कि जब स्कूल में टीचर ही नहीं है तो स्कूल का फायदा क्या। दोस्तों ये जो गाँव है ना हरियाणा का, कोई मामूली गाँव नहीं है। हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनकी माँ नैना चौटाला की विधानसभा में पड़ता है ये गाँव। नैना चौटाला से भी बकायदा गांव वालों ने शिकायत की, लेकिन क्या ही फायदा होना था। इसी तरह हरियाणा के पृथला विधानसभा में टीचर ना होने की वजह से छात्राओं ने स्कूल के बाहर की क्लास लगा दी और विरोध प्रदर्शन किया। क्या कर सकती थी ज्यादा बच्चियां। तो एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों के ऐसे हाल, दूसरी तरफ जब बीजेपी के नेता दिल्ली के स्कूलों में जाते हैं तो कमियां ढूंढते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने भी इस खबर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या हो रहा है, बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अध्यापकों के पद कम कर रहे हैं, देश भर में इनकी सरकारें यही कर रही हैं। सरकारी स्कूल बंद कर दोगे तो जिनके पास पैसा नहीं वो बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, बड़े स्तर पर बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, देश बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको समझाती हूँ कि सरकारी स्कूल को लेकर सरकार की क्रोनोलॉजी है क्या। तो हुआ ये कि हरियाणा सरकार ने पिछले महीने 105 सरकारी स्कूल बंद कर दी, कहते हुए कि भाई बच्चे ही नहीं आते तो स्कूल क्या चलाए। अब स्कूल में टीचर ही नहीं है तो ऐसे स्कूल में बच्चे एडमिशन क्यों कराएंगे बताइए, और जब एडमिशन नहीं होंगे तो सरकारी स्कूल जाहिर तौर पर बंद हो जाएंगे। ये कहते हुए कि भाई बच्चे ही नहीं आते, एडमिशन नहीं होते, दिक्कत ये कि टीचर नहीं है, लेकिन उस समस्या को हल नहीं किया जा रहा है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। स्कूल बंद हो जाएंगे तो सरकारी अध्यापकों की भर्ती भी कम हो जाएगी, सरकार का पैसा बचता है भाई। सरकारी स्कूलों को बंद करने की इतनी हड़बड़ी है कि सीएम साहब की जल्दबाजी में जुबान फिसल जाती है और कहते हैं कि टीचर कम है और अध्यापक ज्यादा है। 100 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें टीचर्स की संख्या कम है और अध्यापक उसमें ज्यादा हो गए। दोस्तों मेरा एक सवाल है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चिंता की जाती है, मीडिया हो चाहे बीजेपी नेता हो, दिल्ली के सरकारी स्कूल को मुद्दा बनाती है, ठीक है भाई बनने चाहिए, लेकिन क्या ये खबरें मुद्दा नहीं बननी चाहिए कि अच्छे खासे स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं। सरकार को इस समझने की ज़रूरत है कि जब तक सरकारी स्कूलों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वहाँ ड्रॉपआउट रेट बेहतर नहीं होगा बच्चों का, तब तक हम विश्व गुरु केवल जुमलों में बनेंगे, हकीकत में नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी खबरें हम तभी दिखा पाएंगे जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे।